हेलो गाइस, आपका एस के एजुकेशन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो कुछ क्रॉप्स का हमको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। वैसे तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यूज़ होती है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी यूज़ होती है और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर भी यूज़ होती है। बट इसमें क्या होता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन था तब ये प्रोडक्शन तो चल रहा था, बट वो इनफ नहीं था पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। इनफ नहीं था मीन्स कि प्रोडक्शन हो रहा था पर वो कम पड़ रहा था, सामने ह्यूमन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी क्रॉप के हिसाब से, वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। सो हमको क्या करना पड़ा, क्रॉप का इंक्रीज करना पड़ा यील्ड्स, एंड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी बढ़ानी पड़ी। जैसे कि आज राइस की बहुत अलग अलग वेराइटीज़ मिलती है, गेहूँ की वेराइटी मिलती है, वैसे वेराइटी भी हमको बढ़ानी पड़ी क्रॉप की, और क्रॉप की यील्ड भी बढ़ानी पड़ी। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। बट ये बढ़ाने के लिए पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज़ किया गया। तो फर्स्टली एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज़ किया गया, तो उस फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स यूज़ होते हैं, सो वो एक्सपेंसिव होता है। तो ये फार्मर के लिए बहुत ही एक डिसएडवांटेज है, ये एक्सपेंसिव रहते हैं इसलिए। और ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का एक और डिसएडवांटेज है कि अनसस्टेनेबल सॉइल कंडीशन, सॉइल का इरोशन ज़्यादा होता है, सॉइल कुछ समय के बाद अच्छी नहीं रहती है, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। टॉक्सिसिटी भी बढ़ती रहती है, रेगुलेशन भी चेंज होता रहता है सॉइल कंडीशन का। हेल्थ रिस्क टू हू अप्लाई एग्रोकेमिकल्स, हेल्थ रिस्क में भी एग्रोकेमिकल बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है जो वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करता है अपनी फार्मिंग के लिए, तो वो इंसान को भी हेल्थ रिस्क रहता है एक। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हुए। एडवांटेजेस क्या है कि उसकी ये इंक्रीज यील्ड, हम बहुत ही कम समय में ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज है। और उसमें लोअर लेबर कॉस्ट है, वहाँ पे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो हमको कम समय में ज़्यादा मिलेगा, तो फिर लेबर का जो कॉस्ट है वो भी कम रहेगा, तो आसानी से हम ये यील्ड बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बात हुई एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की। देन आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सेकेंड पार्ट। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है दोस्तों, तो उसमें है ना बायोफर्टिलाइजर्स, वर्मी कंपोस्ट एंड बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में केमिकल्स नहीं होते हैं यूज, बट उसमें यूज़ होता है बायोफर्टिलाइजर, ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। बायोफर्टिलाइजर और बायोपेस्टिसाइड्स में एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं राइजोबियम, एसोकोबैक्टर, एसोपीरिलियम, और वर्मी कंपोस्ट में हम यूज़ करते हैं अर्थवर्म, वर्मी कंपोस्ट का अर्थवर्म। बट इसके भी थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि ये हेल्थी है फार्मर वर्कर्स के लिए, क्योंकि वो हमने देखा आगे एग्रोकेमिकल बेस्ड हम करेंगे तो रिस्क रहेगा, क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स होंगे, केमिकल्स ऑलवेज टॉक्सिक रहते हैं, बट वहाँ पे रिस्क भी रहता है। सेव एनर्जी एंड प्रोटेक्ट एन एनवायरनमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो आराम से हम एनर्जी भी और एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सॉइल इरोशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल और वाटर को हम बचा सकते हैं टॉक्सिसिटी से, पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर स्टॉप। ओके, तो ये एक एडवांटेज हुए।
देन आता है डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट आर हायर बिकॉज फार्मर नीड मोर वर्कर्स, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये टाइम कम कंज्यूमिंग टेक्निक्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसमें फार्मर्स को वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो वो प्रोडक्शन का कॉस्ट भी वहाँ पे बढ़ सकता है। देन आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ फूड दैट वी दैट द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन नीड टू सर्वाइव, और ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यील्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इस हिसाब से हम बोले तो ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए बेनिफिट्स नहीं है, बट कुछ कुछ हिस्सों में ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए नहीं बनी है। सब सॉल्यूशन लाने के लिए यूज़ किया है जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो यहाँ पे जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या होता है, प्लांट बैक्टीरिया फंजाई और एनिमल यूज होते हैं, उसके जीनेटिक्स में हम चेंजेस मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि प्लांट में हमने कुछ मैनिपुलेट कर, बैक्टीरिया में कुछ मैनिपुलेट कर दिया और अच्छा सा जीन हमने प्लांट में इंजेक्ट कर लिया, तो ये एक अच्छी सी सिचुएशन है। तो वहाँ जीनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज में क्या करते हैं, तो प्लांट बैक्टीरिया एंड एनिमल्स यूज करते हैं, देन उसमें टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस यूज करते हैं, तो वो कोल्ड रोड और सॉल्ट और हीट यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली उसका हम टॉलरेंट एबायोटिक स्ट्रेस का जो जीन होता है वो हम प्लांट में इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो कोल्ड से ड्रोट से सॉल्ट से और हीट से प्लांट बच सके, तो इससे हमारी यील्ड ज़्यादा होगी। देन रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप मीन्स कि हम प्लांट में ऐसा एक जीन इंसर्ट कर दे जो जो पेस्ट को ज़्यादा हार्म ना करें हमारे प्लांट में, तो ऐसे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप भी केमिकल यूज़ होवे तो भी हमारे पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को कोई हार्म, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप यूज़ होवे तो भी हमारे प्लांट को हार्म ना होवे, इसीलिए हमको केमिकली पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें तो भी हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हम आराम से यील्ड कर सकते हैं। फिर आता है एग्जांपल हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लूजेस, तो इसमें क्या होता है कि हम पोस्ट हार्वेस्ट लूजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि राइपनिंग हार्वेस्टिंग के टाइम पर बहुत सारे जो प्रोडक्शन हुए, जैसे कि टोमेटो है, तो वो एक ऐसी है कि हम जब हार्वेस्ट करते उसके पहले ही वो राइपनिंग हो जाता है, वो चिमड़ा जाता है, अच्छा नहीं रहता, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं, तो वो हम पोस्ट हार्वेस्ट में भी अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट अर्लियर एग्जीक्यूटिव ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं सॉइल में से ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स गेन करे प्लांट, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैंगनीज है, तो ये सब जिंक है, तो फॉस्फोरस सल्फर ये अपने अपने हिसाब से काम करते हैं प्लांट में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में से गेन करें और यील्ड बढ़ाए, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाए, तो इसका एक जीन इंसर्ट कर दे तो आसानी से वो हो सकता है काम हमारा। देन आता है एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल एनरिच रिच विटामिन ए, हम न्यूट्रिशन वैल्यू भी हम फूड की बढ़ा सकते हैं, कैसे, तो कैसे में हमारे कोई भी विटामिन ए है वो कोई टोमेटो गाजर ककड़ी कोई भी ले लो उसमें ज़्यादा है, और वो हमने इंजेक्ट कर दिया राइस में विटामिन ए का जीन, तो वो हमको राइस में विटामिन ए ज़्यादा मिलेगा, तो इस हिसाब से हम सब अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हो और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी आगे का पार्ट दो बाकी है, बीटी कॉटन का और पेस्टराइजेशन प्लांट का, तो वो हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।